और दिखाऊं आपको व्यू। रेडी, 1 2 3 गो। वाह, सो ब्यूटीफुल, क्या नजारा है यार। ये देखिए दोस्तों सामने, और ये हम वहां से आ रहे हैं बिल्कुल बादलों के बीचों बीच से, और यहाँ पे बादल कैसे चल के जा रहे हैं, कितने ऊंचे पहाड़, मतलब कि रास्ता भी नहीं दिख रहा हमारे को कहाँ जाना है। ओए होए, मजा आ गया यार। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम दीदी के घर से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। और एक्चुअली जा तो हम कल ही रहे थे, क्योंकि कल यार यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश आ गई। और ये है दीदी जी का लड़का, हेलो बोलो। अरे यहाँ पे देखो पहले, हेलो। अच्छा मालूम है, ठीक। दीदी हमारे को ना सम्मानित करने वाली है, तो दीदी ऐसे बोली एक मिनट के लिए आप अंदर आइएगा। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, और अभी देखते हैं दीदी क्या देने वाली है हमारे को, तो फिर जाके देखते हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल जी, गुड मॉर्निंग माँ जी, गुड मॉर्निंग, ठीक हो ना आप? हाँ, तो दीदी आप क्या देने वाले थे? जैकेट है मेरे को तो ये बिल्कुल, ये आगे फिट आ गया देखना, ये ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए बनी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यार, ट्रेवलिंग में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, और हम कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं। वे लोग हमारे को अपने घरों में रखते हैं, और इतना आनंद प्यार मान सम्मान देते हैं। तो आपसे भी देख सकते हो यार इस वीडियो के माध्यम से। तो सच में दीदी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे को होस्ट किया, मतलब कि यहाँ पे 5-6 दिन हमारे को रखा, हमारी इतनी सेवा पानी की। खाने में भाई तीनों टाइम है ना गर्मा गर्म खाना आता था। सच में खाने की तो मैं क्या तारीफ करूँ। मैं पिछले एक हफ्ते से घूम रहा था, अब मेरे को चावल ही चावल मिल रहे थे, बट यहाँ पे आके मेरे को रोटियां भी मिल गई। तो दीदी सच में बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी एक बार इसके बारे में बता दो क्या थोड़ा, मतलब कि ये क्या जी, आप एक मिनट आके बताओ। अच्छा हो जाएगा, जो हम लोग का हेम्बिया बोलते हैं ना। अच्छा, ये ताऊ का ये डिजाइन है। अच्छा, जो ये ताऊ मतलब जो ओरियो होता है। हाँ, तो उसका ये डिजाइन। अच्छा, सो दोस्तों ये है यहाँ की ट्रेडिशनल जैकेट। दीदी ने अभी हमारे को वेट की है, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दीदी, अच्छा से राम राम माजी। हमारी दीदी और भाई जी के साथ में लास्ट चाय आ चुकी है, और देखिए कुछ इस प्रकार है हमारी चाय। चेस दीदी ये, और यहाँ पे हमारे लगेज वगैरह है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और हम भी पूरी तैयारी में हैं। और एक बार आपको चाय का टेस्ट करके बताते हैं। वाह बहुत शानदार, अदरक का भी स्वाद है और इसमें लौंग का भी स्वाद है। कहाँ तक छोड़ गया दीदी आप हमारे को? तो दोस्तों देखिए दीदी और भैया जी हमारे को हौज तक छोड़ के आएंगे, और अभी हमारी चलने की तैयारी है, बस चाय पीते और फिर चलते हैं दीदी और के साथ में, और फिर आज से एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। फाइनली दोस्तों अभी निकलने का टाइम आ चुका है, और अभी हम बोलते हैं दीदी को बाय बाय यहाँ पे। ठीक है दीदी बाय, भागो मत। ओए दीदी भागो मत, एक बार ही बोल दो बाय। कैसे हो आप? आप कैसे हो? बढ़िया। ओह, और ये हमारा भाई ताकिया जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, क्यों? और ये था यहाँ का कुछ माहौल, यहाँ पे हमने अपने
पाँच दिन स्पेंड किए थे, 5 days हमने यहाँ पे अपने स्पेंड किए थे और यहाँ पे हमने बनाए थे बैम्बू राइस जो आप सभी ने देख लिए थे और कुछ इस प्रकार था। और यहाँ पे है ये बैम्बू के और यहाँ पे है बहुत सारे बैम्बू और ये है दीदी का मैन घर जहाँ पे दीदी रहती है। और फिर अभी चलते हैं, दीदी ने गाड़ी वगैरह निकाल ली है, गाड़ी में बैठते हैं चलते और हमारी दीदी ब्लॉग बनाने को तैयार है। और ये है ताकिया, बाय 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 भैया जी, ओके माँ जी बाय, फिर मिलेंगे जल्दी। तो अभी दीदी और भैया जी ने हमारे को यहाँ पे हौज में उतार दिया, आप देखिए सामने वो वहाँ पे ना हौज है और ये जो ये इस विलेज का नाम ना जो ये टाउन है हल्का सा तो इसका नाम हौज है। और ये वाला रोड जाता है बिल्कुल सीधा तवांग में और ये वाला रोड जाता है बिल्कुल सीधा जीरो में। तो अभी हम जा रहे हैं जीरो, तो अभी वहाँ पर जाके आपको जीरो फेस्टिवल की तैयारियाँ दिखाएँगे और वहाँ पे जो विलेज वगैरह है ना उनको अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं दीदी और अभी करते हैं दीदी से लास्ट बाय बाय। और यहाँ पे गाड़ी से उतार के लगेज वगैरह हमने सामने रख दिए, ओके दीदी बाय बाय। और आप सभी ने इतना मान सम्मान प्यार दिया, क्या बात है, क्यों अच्छा से जाओ। हाँ अच्छा लगा, पता नहीं चला इतने दिन कैसे निकल गया, काफी अच्छा लगता है मुझे। तो भविष्य में एक बार आपसे मैं जरूर मुलाकात करूँ, ठीक है। और हाँ एक बार आप मेरे हरियाणा भी आना, जरूर आएगा। ये मेरी है ना, ये दिल से रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार आप हरियाणा जरूर आना, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं और आज के सफर की शुरुआत करते हैं और आज निकलते हैं जीरो की तरफ, ओके दीदी बाय। अच्छा से जाना, हाँ जरूर, नहीं कोई दुख नहीं है, ओके भैया ठीक है सब जाइए। सो गाइस फिर अभी चलते हैं ये वो इस वाले रास्ते से सीधा जीरो की तरफ, बाय बाय। सो दोस्तों जैसे ही हम दोनों भाइयों ने अपने सफर की शुरुआत की ना तो अभी एकदम है ना बारिश आने लग गई है, वहाँ पे भी बारिश हमारे को ज्यादा दिक्कत दे रही थी और अभी सफर की शुरुआत होते भी बारिश आ गई। तो कोई नहीं अभी एक दुकान पे रुकते हैं अच्छे से और वहाँ पे लगेज वगैरह टेकते फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, ये हौज टाउन है आप देख लीजिए, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और यहाँ पे दुकानें वगैरह है। सो गाइस फाइनली हमारे को अपनी दिन की पहली लिफ्ट मिल चुकी है और लिफ्ट दी हमारे को हमारे भैया जी ने। तो भाई जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आप कैसा है? भैया जी आपका क्या नाम है? क्या बताया आपने? काकुम। भैया जी का नाम काकुम है और आप कौन सी ट्राइब से हो? निसी। वाह तो दोस्तों निसी ट्राइब ने हमारे को पहली लिफ्ट दे दी है अपने दिन की और भैया जी के साथ में जो सफर होने वाला है वो बहुत सुहाना होने वाला है और हल्की हल्की बारिश आ रही है और क्या नज़ारा है आगे यार, पहाड़ों का बहुत सुंदर है। क्यों भैया जी आप कहाँ गया था भैया? हम जो ईटानगर। अच्छा ईटानगर, क्या करके आया आप भैया? एक्चुअली हम कल दीदी को पंचर नहीं है। अच्छा भाई जी ये कह रहे कि कल है ना भी दीदी को छोड़ने के लिए गए थे ईटानगर तो अभी फिर वे अपने दीदी के घर से आ रहे हैं ना। वाह तो आप भैया जी कहाँ छोड़ देंगे हमारे को? जो में ऊपर में। अच्छा तो वो जीरो से क्या किलोमीटर दूर रह जाएगा फिर? पता नहीं उसको तो हम आइडिया नहीं है। अच्छा आइडिया लेकिन सामने ही होगा। सामने बढ़िया। सो दोस्तों देखिए आपको ना जो भी रास्ते में जो नज़ारे आएंगे ना व्यू आएंगे, क्या सुंदर सुंदर नज़ारे आएंगे, व्यूज आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है दोस्तों फिर करते हैं दिन की शुरुआत, हर हर महादेव। हर हर महादेव।
सो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि मौसम यार कितना अच्छा रखा है, और अभी आपको मैं एक व्यू पॉइंट लेके जा रहा हूँ ना, जहाँ से पूरे पहाड़ दिखेंगे और क्या नज़ारा होगा। एक बार यार पहले तो सामने देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है, और अभी हम जा रहे हैं ये पहाड़ चढ़ के, और वहाँ से क्या व्यू मिलेगा ना आपको, पूरा अल्टीमेट व्यू होगा और आप ना इस नज़ारे के फैन हो जाओगे। और देखिए हमको कैसे ट्रैकिंग करके जाना पड़ रहा है। सो गाइज अभी जो हम आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, आप फैन हो जाओगे उसके, और मैं इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ अपने भाई को जो हमारे को यहाँ पे लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अभी हम ना ये खड़ा पहाड़ चढ़ के आए हैं, साहस चढ़ गए यार, और दिखाऊं आपको व्यू। रेडी 1 2 3 गो। वाओ सो ब्यूटीफुल, क्या नज़ारा है यार, ये लाइफ में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूँ। ओ माय गॉड, देखिए दोस्तों सामने, और ये हम वहाँ से आ रहे हैं बिल्कुल बादलों के बीचों बीच से, और यहाँ पे बादल कैसे चल के जा रहे हैं, कितने ऊंचे पहाड़, मतलब कि रास्ता भी नहीं दिख रहा हमारे को कहाँ जाना है। ओए होए मज़ा आ गया यार, क्या जीरो है, अभी जीरो पहुँचे भी नहीं, उससे पहले इतने अच्छे नज़ारे मिल गए। वाह कैसा लगा, मस्त मस्त। सो दोस्तों ये था कुछ ऐसा नज़ारा, अभी चलते फिर नीचे। सो दोस्तों भाई जी ने हमें उतार दिया याजुली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। और भैया जी छोड़ के जा चुके हैं, और ये वाला रास्ता जाता है बिल्कुल सीधा जीरो, और अभी देखते हैं, भैया जी कह रहे थे कि मैं आपको अपनी बस्ती में लेके चलूँगा, अभी देखते हैं फिर वहाँ पे बस्ती में जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी अभी भैया जी का भी नहीं पता कितनी देर में आएंगे। और कुछ ऐसा सुंदर नज़ारा है, बिल्कुल हम पहाड़ों के बीचों बीच आ गए, और आपने नज़ारे तो देख ही लिए होंगे ना, कितने सुंदर नज़ारे थे, और दिल खुश हो गया यार, दिल है ना भाई, इतना सुंदर नज़ारा देख के, ओए होए बस क्या ही कहें उस नज़ारे के बारे में। फाइनली गाइज अभी हम ले रहे हैं अपना दोपहर का लंच, और यहाँ पे खेल रहे कुछ बच्चे। बच्चे हेलो बोलो, हेलो। कैसे हो आप सभी, कि ये क्या खेल खेल रहे हो आप, क्या होता है इस खेल का नाम बताना, क्या अंदर बाहर। और अभी हम कर रहे अपना दोपहर का लंच, और लंच में है टिकलू भाई क्या है ये, सॉप 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 है, आलू सॉप, आलू सॉप है ये। और एक चीज बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे खाना बहुत महंगा यार, यहाँ पे ना 300 रुपीज की थाली है, बहुत महंगी है। और ये है हमारी दीदी, प्यारी सी दीदी, हेलो दीदी, हेलो कैसा हो आप। और दीदी ने हमारे लिए बनाया इतना प्यारा सा गर्मा गर्म आलू चॉप, आलू चॉप। सो फाइनली दोस्तों हमारे को अपने दिन की सेकंड लिफ्ट मिल चुकी है, और लिफ्ट दी है हमारे को सर जी ने, सर जी थैंक यू। क्या नाम सर आपका, प्रशांत बोरा। प्रशांत बोरा, आप कहाँ से हो सर। हम असम लखीमपुर का। असम लखीमपुर से हमारे को लिफ्ट जिस गाड़ी में मिली ना, वो है गाड़ी थार, तो थार में हमारे को पहली बार लिफ्ट मिली है, और थैंक यू सर। थैंक यू, जब मैंने हाथ दिया ना तो मेरे को ये लग नहीं रहा था कि ये रुकेगी, बट सर सर इतने अच्छे थे, सर ने गाड़ी रोक ली है, थैंक यू सर। हम अकेले आ रहे हैं इसलिए एक कंपनी मिलने से हमको मजा लगा क्या, और आप लोगों को बिल्कुल होगा ना, आदमी टू आदमी को हेल्प करना सही। हाँ बिल्कुल। सो फाइनली दोस्तों थार वाले भैया ने हमारे को ना वहाँ पे उतार दिया था सामने, तो फिर उसके बाद हम पैदल पैदल आ गए यार। अभी मेरे को ना वोमिटिंग हो गई थी बहुत तेज से, जो हमने वहाँ पे खाना ही नहीं खाया था उस दीदी के पास में, वो क्या बोलते आलू का चोखा क्या था भाई, वो आलू चॉप। सो हमने वहाँ पे ना आलू चॉप खाया था, तो यार वो मेरे को सूट नहीं किया, तो इसलिए मेरे को फिर यहाँ पे ना वोमिटिंग हो गया बहुत ज़्यादा यार, मतलब कि सारा हिल गया था मैं पूरी तरह से। ठीक है फिर अभी यहाँ पे ना गाड़ी की वेट करते यार, आज कैसे ना कैसे करके जीरो पहुँचते हैं, और यहाँ से जीरो रह गए 17 किलोमीटर, और आई होप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, और फिर वहाँ जाके करते हैं एक्सप्लोर जीरो को। फाइनली दोस्तों अभी अपनी जीरो के अंदर एंट्री हो चुकी है, और कुछ इस तरह से जीरो आप देखिए सामने है बिल्कुल जीरो, और वहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू जीरो, और फिर हम वहाँ पे सामने जाएंगे, और ये अभी हापोली टाउन है, तो आप देखिए। और अभी हम जो लिफ्ट लेके आए हैं ना उस लाल वाली गाड़ी में लेके आए हैं, और यहाँ सामने एक चर्च है बहुत बड़ा, जो कि है टाउन बाप
ईस्ट चर्च। हापोली जो लाल गाड़ी है ना वो सर जी की है, तो सर जी ने हमारे को लिफ्ट दिया। थैंक यू सर। थैंक यू, माय प्लेजर। या आप कहाँ तक छोड़ दोगे सर हमें? जीरो म्यूजिक फेस्टिवल ग्राउंड। अच्छा, वो सर हमारे को ना बिल्कुल जीरो फेस्टिवल का जो म्यूजिक ग्राउंड है ना वहाँ पे छोड़ देंगे। और यहाँ से सर क्या किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। सो गए यहाँ से ना वो 4 किलोमीटर रह गए ग्राउंड। और अभी हम चाय पीते और सर की चाय तो आ गई है और मेरी कुछ देर पहले ही आ गई थी। चाय तो सर बहुत अच्छी है, अभी मैंने ट्राई किया था। कैसी लगी? बढ़िया ना सर। तो गाइस ठीक है, फिर चाय वगैरह पी के और फिर चलते हैं जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के ग्राउंड में और फिर वहाँ पे जाके आप सभी को दिखाते हैं अभी वहाँ पे कितनी तैयारियाँ चल रही है और कितना टाइम और लग जाएगा उनको तैयार होने में। तो फाइनली गाइस अभी हम जहाँ पे जीरो फेस्टिवल होने वाला ना तो उससे थोड़ा सा आगे आ गए हैं जहाँ पे कैंपिंग वगैरह होती है, जहाँ पे कैंपिंग के टेंट वगैरह लगे होते हैं ना, तो जो कि बाहर से टूरिस्ट आते हैं ना तो फिर वे यहाँ पे स्टे करते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। इसके अंदर भाई लोग अभी यहाँ पे वे लगाना स्टार्ट कर देंगे टेंट, और वो है गाड़ी सर जी की, और यहाँ पे हमारे को लेके आए सर जी। सर जी ऐसे बोले कि आप कहाँ घूमोगे, तो यहाँ पे ना एक मेरा आदमी है तो वो यहाँ पे कैंपिंग का वो कर रहा है, तो मैं आपको ना वहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर सर हमारे को यहाँ पे ले आए। और एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, गाड़ी मैं चला के आया था। सर ऐसे बोले तुम दोनों में से गाड़ी चलाने आती किसी को? मैं ऐसे बोला हाँ सर मैं चला लेता हूँ। तो ऐसे बोले ठीक है आप चलाओ और मैं बैठता हूँ। और सर जी के है ना फ़ोन वगैरह आ रहे थे बार बार में, तो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो अभी अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है अंदर का एरिया, और यहाँ पे करने वाले आज रात को हम कैंपिंग, और सर और यहाँ पे ये जल रही आग। और आप एक बार ये पेड़ देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े पेड़ है। ये कौन से पेड़ है ये भाई जी? ये मतलब बहुत जल्दी आग लग जाता है इसमें। अच्छा, जो सूखा हुआ रहेगा ना जल्दी आग लगता है। ये आग उसमें अच्छा होता है, मतलब जो बारिश का मौसम होना जल्दी से जल जाता है। और दूसरा बात ये होगी आज कितना पूरा नेचर का बीच में इतना खूबसूरत जगह में कैंप लगाने का मौका मिला, तो सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल यार, सर जी को धन्यवाद करेंगे। और यहाँ पे ये हमारे भाई जी है। हेलो भाई जी, ये क्या भाई जी? अच्छा ये डस्टबिन है। अच्छा वाह, यहाँ का इसे बनता है, मतलब क्या बोलते हैं मतलब लोकल लोकल डस्टबिन। और यहाँ पे भी हमारे भाई जी है। हेलो भाई जी, कैसे हो भाई जी? और ये रहे हमारे सर जी। सर जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। हाँ बिल्कुल, आप हमारे को यहाँ पे लेके आए, और आज रात का यहाँ पे रहने का जुगाड़ भी बहुत अच्छा हो गया हमारा, और बिल्कुल नेचर के बीचों बीच रहेंगे। और आज हम ये देख भी लेंगे कि यहाँ पे कैंपिंग वगैरह कैसे होती है, जो जीरो फेस्टिवल की तैयारियाँ नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, जो प्रिपरेशन होती है ना वो कैसे होती है। ओके सर, थैंक यू बहुत बहुत, वेलकम। या और आप सभी को मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ना जो कुर्सियाँ बनी हुई ना वे बांस की बनी हुई है ना, बैम्बू की बनी हुई कुर्सियाँ। सो दोस्तों देखिए आप, ये है बैम्बू, और बैम्बू को ना बीच में से काट के बनाया हुआ है देखिए। और कुछ ऐसी यहाँ पे कुर्सियाँ बनी हुई है बैम्बू की, क्या बात है। देख ये बहुत मज़ा आ रहा है, ये कहीं नहीं जाने वाली, क्यों भाई? और वहाँ पे भी कुर्सी वगैरह है। और वहाँ पे जब ये फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा ना तो फिर वहाँ पे लगने वाला डीजे, और फिर यहाँ पे ना पूरा वो डाल देंगे फ्लोर वगैरह, और वहाँ पे फिर सामने वो खुल जाएगी सामने, वहाँ पे फिर आपको ना वाइन्स वगैरह मिलेगी, फ्रूट्स वगैरह मिलेगा, क्यों भाई? क्यों भाई? हाँ, सही है, मजा आने वाला है ना। स्टोर होगा यहाँ पे, दुकान यहाँ पे ये स्टॉल हो जाएगी दुकान का। और यार एक चीज बताऊँ भाई, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज की जो रात होगी ना हमारी वो इतनी नेचर के बीच में होगी। वो तो यही मतलब है ट्रैवलिंग, सच में कहाँ से क्या होता है, एक पल में हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं पता नहीं लगता। और हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ में आज ऐसा होगा, बट सच में कुछ भी हो मज़ा बहुत आ रहा है यार ट्रेवलिंग एंजॉय कर रहे पूरी अपनी जर्नी को और अपनी लाइफ को। तो गाइज आप भी वीडियो देखते रहे यार, कमेंट किया करो यार, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है कमेंट करके बताओ हमें, कि हमें ऐसे घूमना पसंद है। आप ये दिखाओ,
आप जो भी कहो, आपका जो भी कमेंट आएगा ना, तो हम बिल्कुल उस तरह की ट्रेवलिंग करेंगे, क्यों भाई? जरूर जरूर जी। ठीक है गाइस, फिर आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त, और यहाँ पे करते कल, कल हम लोग पूरा मतलब ये बहुत ही खूबसूरत, आज तो मैंने दिखाया नहीं, जो यहाँ का आपका बस्ती है ना, बस्ती हरी बस्ती है, तो कल हरी बस्ती और जहाँ पे जीरो फेस्टिवल होने वाला वो भी दिखाएंगे, बिल्कुल आपको, आप सभी को अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे, क्यों? ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जहाँ भी हो सुरक्षित रहो, अपने का ख्याल रखें, और जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, मिलते फिर आप सभी को कल सुबह 7 बजे उसी टाइम उसी चैनल पे उसी जगह, ओके गाइस, बाय।